डुओ। तो खुमक का डुओ आज जा रहा है चिकमंगलूर। ये तो हम जा रहे हैं वाया रोड। रोड ठीक ठाक है, बढ़िया रोड है। अभी तो हम सिर्फ बैंगलोर से निकले हैं, आगे हम देखते हैं जैसा जैसा रोड होगा हम आपको भी दिखाएंगे। तो अभी हम हाईवे पे हैं और हम निकल चुके हैं चिकमंगलूर के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चिकमंगलूर टूर के हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 2 दिन की आइटिनरी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने, और नाम तो मेरे से लिया नहीं जा रहा। आई थिंक ध्रुव तारा है, दिस इज द रेस्टोरेंट, आप इसको सीधा करके पढ़ लीजिएगा। ध्रुव तारा और ध्रुव तारे समथिंग। एंड रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ चल रही है, मतलब हम लोग को सीटिंग के लिए भी बड़ी मुश्किल से जगह मिली है। बहुत हाई रेटेड रेस्टोरेंट है, इसलिए मैंने रास्ते में ही लगा लिया था। काफ़ी लोगों ने यहाँ विजिट किया है, तो आप भी चाहें तो यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुक सकते हैं। अभी बज रहा है, हम लोग निकले थे सुबह 7 बजे तक हम लोग निकल गए थे, और अभी 9 बज रहा है, इसमें नहीं दिख रहा होगा, तो 9:15 लगभग हो रहा है। ब्रेकफास्ट का ही टाइम है, तो अगर आप बैंगलोर से निकलते हो 7 बजे, तो आप आराम से यहाँ पे ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुँच सकते हो। हमने कोई अभी तक ब्रेक नहीं लिया है बीच में, अभी फर्स्ट ब्रेक है हमारा, आई थिंक लास्ट भी होगा। तो आप जैसा आप देख रहे हो, बस ये सामने का जो रोड है, आई थिंक हार्डली 100 मीटर्स, तो बस यही कच्चा रोड है, बाकी मेन रोड है। तो प्रॉपर कच्चा रोड है, अच्छा, लेकिन वो हाँ, मतलब रोड ओके ओके आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप, हाँ। आपको डिफिकल्टी नहीं होगी जाने में। ये हमारी कार खड़ी यहाँ पे पार्किंग है, 2 गाड़ियाँ वहाँ पे भी खड़ी हैं। तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी अमेजिंग। ऐसे जैसे यहाँ पे झूले पड़े हुए हैं, आई थिंक रूम से हटा झूला। और ये देखिए गाइस, कॉफी। सो चिकमंगलूर इज ऑल अबाउट कॉफी। सारा कॉफी प्लांटेशन है, हर जगह कॉफी कॉफी, ढेर सारी कॉफी। हमने भी कॉफी ऑर्डर की और हम अभी कॉफी पियेंगे। यहाँ पे बोनफायर होगा, हाँ यहाँ पे रात में बोनफायर होगा। और यहाँ से बहुत अमेजिंग आएगा, जैसे आप देख रहे हो सब लाइट लगी है, ये सब जलेंगी, मोर है। हम आपको रात का व्यू भी जरूर दिखाएंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम है क्या, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हाँ। तो याद नहीं है, सी टर्की, आई विल शो यू टर्की, एंड बिफोर दैट आई विल शो यू कॉफी। ये इन्होंने बताया हम 15 दिन इसको सुखाते हैं, एंड आफ्टर दैट दे विल ग्राइंड लाइक दैट, वो ग्राइंड करके कॉफी बना लेते हैं इसकी। विल शो यू द टर्की। Hey man, where are you going? Hi. You see garden, देखो garden तो पूरा। वो गुस्से में ऐसे जब कोई आसपास आता है तो वैसे खुद को फुला लेता है। वो गुस्से में है, समझते पंख खोल के कह रहा भागो यहाँ से, leave me alone। बेचारा अकेला है, इसका कोई दोस्त नहीं है। वो गुस्सा कर रहा है, भागो यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल फ्लावर्स हैं। ये भी अलग टाइप का, येलो, वाइट, रेड, सारे कलर्स हैं यहाँ पे, सारे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी। रूम टूर अभी हम आपको देंगे। यहाँ पे खरगोश बैठा हुआ, पत्थर का खरगोश है यहाँ। प्लांटेशन आर रियली गुड। ये है कॉफी का प्लांट, और अभी मैंने इसमें से एक ये तोड़ा फल, इसका गिर गई एक मेरी बीन। तो आप जैसे देख रहे हो इसको खोलते हैं ना,
तो ये है कॉफी बीन्स जिसको रोस्ट करके और हम कॉफी बनाते हैं। अब इसमें बिल्कुल कॉफी की स्मेल नहीं आएगी, इसको जब रोस्ट करते हैं अच्छे से तब इसमें कॉफी की खुशबू आती है। अगर आपको देखना है कि इसके बाद ये कैसे प्रोसेस होता है तो हमारा कुर्क का वीडियो देखिए, वहां पे हमने एक फैक्ट्री का पूरा दिखाया हुआ है कि कैसे पूरी कॉफी प्रोसेस होती है। करेक्ट। आपको यहाँ कैसा लग रहा है, आप अपना अनुभव बताएं। अमेजिंग, सो रिलैक्सिंग, सो चिलिंग, मतलब सिटी लाइफ से बाहर आकर अगर आपको ये मिलता है सो दैट इज अमेजिंग। सो हम लोग घूमने इसीलिए जाते हैं जनरली कि हम सिटी लाइफ से दूर जाना चाहते हैं, पर ये जो है आप देख सकते हो कि हम दिखाएंगे आपको पूरा, ये पूरा जंगल है, यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ गूंज रही है बस, और कोई आवाज़ नहीं है, बहुत शांति है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, सो बहुत ही मज़ा आ रहा है हमको यहाँ पे। अभी हमने आपको दिखाया था कि वहां से कॉफी आती है फिर यहाँ ऐसे बनती है और अब हम इसको ऐसे एंजॉय करते हैं। बहुत अमेजिंग कॉफी है, मतलब थोड़ी सी हार्ड है, मतलब जिसको कॉफी, जैसे राज आपके पीछे हैं, इनको हार्ड कॉफी नहीं पसंद, बट आई लव दिस हार्ड कॉफी, तो ये बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। इसको नहीं अच्छी लगेगी आई नो, बट मेरे को बहुत पसंद आ रही है। मैं आपको एक रूम टूर दे देती हूँ। सो ये एक टेबल है यहाँ पे, ये मिरर है, ये एक किंग साइज बेड है, विंडोज हैं, वॉशरूम है जो कि बड़ा है, यहाँ पे गीजर है, फैन है, ये एक टेबल है, इसको अवॉइड कीजिए, ये हमारा मेस है, और यहाँ पे टॉयलेटरीज दिए इन्होंने, ये सोप दिया है, कोलगेट टॉवल, मेन अट्रैक्शन पार्ट, यस। सो ये है मेन अट्रैक्शन, ये है पूरा टेरेस, आपको अगर बालकनी चाहिए हो तो आपको टेरेस मिलता है, वाओ। जैसा कि हमने नीचे से दिखाया था कि हमारा सबसे ऊपर वाला रूम है, बहुत बड़ी टेरेस है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी टेरेस है, यहाँ पे कैरम भी है अगर आपको खेलना हो तो, जो भी हम खेलेंगे। और ये है टेरेस से व्यू, अभी हम नीचे टहल लेते हैं, मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन वगैरह है, तो ये है टेरेस से व्यू जो कि बहुत अमेजिंग है। ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस हमने पे किया है वो हमने पे किया है 2000 रुपीज़। इसमें जो है वो 2 times का मील है, 3 times का नहीं है क्योंकि 1 time हम लोग बाहर करने वाले हैं। अगर आपको पूरा तीनों टाइम का मील चाहिए तो 2500 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, और ये सीजनल हो सकता है, तो ओनर का कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बुक कर सकते हो। ये गाड़ी खड़ी है हमारी, ये पार्किंग एरिया है, यहाँ बस हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये झूले लगे हुए हैं जिससे हम चिल आउट मार रहे हैं इतनी देर से। ओके, इट्स अमेजिंग, ये लाइट देखिए इसमें लगाई है, हाँ यहाँ पे लाइट्स भी है, जलेगी रात में बहुत अच्छा लगेगा। 7 बजे उन्होंने हमको बोला है कि बोनफायर होगी यहाँ पे, उसके बाद हम डिनर करेंगे और हम सो जाएंगे, फिर हम कल जाएंगे सब जगह घूमने। तो अभी उसी का प्लान कर रहे हैं क्योंकि हम बस 2 दिन के लिए आए थे और हमारा मेन जो मोटिव है यहाँ आने का वो है रिलैक्स करना, चिल करना, तो हम बहुत ज़्यादा घूमने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो जितने पॉइंट कवर करेंगे वो हम कल कवर करेंगे। और आपको इस, आपको ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ घूमने गए तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। हाँ एकदम सडन प्लान ट्रिप है हमारी, हमने बस बैग पैक किया और हम उठ के चले आए, ये भी हमने यहाँ आके ढूंढा है, तो आपको इजी पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट कर लोगे, हम लोकेशन भी दे देंगे इसकी यहाँ पे। तो ये जल चुकी है हमारी बोन फायर, 7 बजे का टाइम होता है तो सबकी सेपरेट है, लोग जलाते हैं, अगर आप अकेले आ रहे हो या ग्रुप में आ रहे हो तो आपकी सेपरेट रहेगी। तो अभी इस समय 2 जगह जल रही है, कुछ साइड जल रही है, एक ग्रुप आया हुआ है 4 लोगों का उनके लिए, और ये वाली हम दोनों के लिए सेपरेट जलाई गई है।
सो हम डिनर करके फ्री हो गए हैं, तो आज का दिन भी क्लोज करते हैं और कल निकलते हैं चिकमंगलूर घूमने के लिए।